अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब लोग। मौसम बड़ा प्यारा है जी। आज हम आपको दिखाएंगे कि बाहर का काम है हमारा आज, लेकिन बारिश नहीं है, लेकिन मौसम क्लाउडी बना हुआ है, प्यारा मौसम बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो रश का जो जाली का काम यस्टरडे फिनिश हो गया था, और उसके बाद में आज एक्सटर्नल प्लास्टर स्टार्ट कर दिया। इंटरनल प्लस्तर 100% हमारा फिनिश हो गया था। डेकोर का काम बाकी है, वो बाहर का डेकोर और अंदर का एक ही टाइम में होता है। जैसे ये विंडो है तो इसका अंदर की साइड और बाहर की साइड जो डेकोर होगी इसकी प्लस्तर, वो कॉर्नर, वो एक ही टाइम में करेंगे। तो ये रश ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो चुका है, और अभी स्टार्ट किया है इसका जो काम हम लोगों ने प्लस्तर का। तो दिखाते हैं एक्सटर्नल प्लास्टर कैसे कर रहे हैं लड़के, तो आप हमारे साथ रहिएगा। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि बाहर का प्लास्टर जो होता है उसमें अंदर के हिसाब से प्रोग्रेस थोड़ी कम आती है, तो लेकिन इंशाल्लाह हमारे आदमी अंदर जितनी प्रोग्रेस देंगे बता रहे हैं। तो बाहर जो सफाई इसकी, कभी अगर अच्छे से ब्लॉक वर्क नहीं हुआ तो फिर ज़्यादा जो है इसकी जो छाप जो मार रहे हैं ना, ये ज़्यादा आती है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक वर्क हमारा अच्छा है इसका, यानी कि जो अच्छी उसमें किया हुआ है लेवल में इन्होंने निकाल के, तो इतने ज़्यादा यानी सीमेंट नहीं आएगा। तो ये अभी स्टार्ट किया है, तो अल्लाह खैर करे। तो ये जो है हमारा 3 से 4 डेज जो है लगेंगे इसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बैक साइड में भी है, तो इसलिए तो फ्रंट साइड और राइट लेफ्ट साइड जो है हमारी ये 3 डे में हो जाएगी, लेकिन जो बैक साइड है वो भी हमारी शायद 2 दिन और मज़ीद ले जाएंगे, यानी वीक तो जाएगी इस काम में। तो ये अभी इन्होंने तकरीबन 1.5 आवर तैयारी में भी, क्योंकि जगह की सफाई वगैरह करनी होती है तो वो भी की, नीचे से ये प्लाई वगैरह डाल ली, क्योंकि मसाला जो बच जाता है फिर वो ख़राब नहीं होता, यूज़ हो जाता है आगे। तो 1 से 2 बार इन्हें एक दफ़ा छाप लगाई है, इसको फिक्स किया, फिर उसके बाद में फिर पानी थोड़ा इसको लगाते हैं, ड्राई हो जाता है, तो फिर उसके बाद में सेकंड लेयर अभी लगा रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो लेवल से वो पट्टी वगैरह का जो मारते हैं, ये एलुमिनियम की पट्टी है, वो इसके साथ में इसका लेवल निकाल के सीधा इसके ऊपर करते हैं, तो फिर वो पीवीसी गरमाला के साथ में इसको प्लेन करते हैं। इसका ऊपर का जो है वो ये नज़र आ रहा है, ये 45 सेंटी है, ये 50 सेंटी है, तो ये सीधी जो है ये प्लस्तर हो जाएगी, लेकिन जो डिकोर है इसकी, वो डिकोर इसकी 1, 2, 3, 4 लेयर आ रही है हमारी, यानी जो डिकोर है वो इसकी बाद में होगी, जब प्लस्तर इसका फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद में इसकी होगी, क्योंकि पहले उसका जो, अगर हम पहले इसकी डिकोर का काम ऊपर का कर दें तो फिर उसका लेवल बराबर नहीं आता, प्लस्तर कहीं से ज़्यादा कम अगर हो जाए तो प्लस्तर पूरा लेवल में हो जाएगा, तो डिकोर का जो लेवल फिर उसके बाद बनता है सही बराबर, हर जगह से आपको सही, यानी 10 सेंटी है तो 10 सेंटी मिलनी चाहिए, तभी देखने में अच्छी नज़र आती है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो इसकी एक्सटर्नल प्लस्तर की। तो आपने देखा कैसे एक्सटर्नल प्लस्तर कर रहे हैं, तो ये तरीका है इसका प्लस्तर का, इंटरनल एक्सटर्नल सेम ही होते हैं। मैंने कहा आपको एक्सप्लेन करें कि बाहर से आज कैसा जो है मौसम के हिसाब से, गर्मी हो तो थोड़ी धूप हो मुश्किल होती है, लेकिन अभी मौसम अच्छा है यहाँ पे, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना रखिएगा ख्याल जी, अल्लाह हाफिज़।